हम लोग इंडियन हैं और इंडियन एग्रेसिव है, लेकिन साल दर साल, क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ हमें आगे बढ़ना है। पहला नाम लिया मजराटी, हम लॉन्च कर रहे हैं 30th को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोलूंगा डीएनए इंडिया का, सप्लायर बेस, यस, मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, एंड दैट्स वेयर वी आर वर्किंग। इंडिया हमारे सीईओ के हिसाब से इज द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। उनका कहना है कि जो काम, जो ब्रांड इंडिया में सक्सेसफुल हो गया या पार्ट प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, और जो जो मुझे धन्यवाद करना चाहते हैं वो प्लीज़ धन्यवाद कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करके हम बड़ी बड़ी हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और धन्यवाद की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आज भी हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं। हमारे साथ शैलेश हजेला जी मौजूद हैं, MD & CEO Stellantis इंडिया, एंड जस्ट इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल ब्रांड जिसके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी का भी सोचा है। चलिए ये सवाल आपके लिए है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि Stellantis के अंडर कितनी कंपनीज आती हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि मासारेटी से लेकर सिट्रॉयन और उसके बीच में बहुत कुछ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और जैसे मैंने कहा मासारेटी से लेकर सिट्रॉयन बहुत कुछ है, काफ़ी सारे भारत में मौजूद हैं, तो बिकॉज Stellantis इंडिया के आप MD & CEO हैं, इन दैट केस द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ टू बी द बिगेस्ट वन टू स्टार्ट विद, are there any plans of getting any more brands to India? We are focusing on Jeep and Citroen right now, and aapne jo pehla naam liya Maserati, hum launch kar rahe hain 30th ko Delhi mein, so that's going to be third brand. Pichle 2019 se lekar ab tak ka ye jo Citroen se bhi agar main shuruaat baat karun to ek bada acha safar hai jo ki nazar aaya, the brands are doing good, Jeep is doing pretty good, in that case what are the big takeaways for Stellantis? If I say jo cheeze achhi nazar aa rahi hain, positive nazar aa rahi hain, and which are the biggest roadblocks that you think? So hamare liye jo positive rahi hai Stellantis ke liye, wo sabse pehle India as country, India ke jo strength hai ji, usko hum globally kafi kuch utilize kar paaye hain, और वो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना हो सके हम इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको हम यूटिलाइज करते रहें आगे आने वाले समय में। और ये सिर्फ कार जो हम सेल करते हैं उस तक ही नहीं है, ये भी हमारा प्रयास है कि हम कैसे इंजीनियरिंग डिवीजन को आगे बढ़ाएं, किस तरह हम जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है कनेक्टेड कार में, टेक का इंटरवेंशन हो रहा है और इंडिया टेक के मारे में तो सबसे आगे है ही, सिलिकॉन वैली से लेकर बैंगलोर तक। तो हमारा भी बैंगलोर में एक डिवीजन है जो सॉफ्टवेयर टेक्स है, वहाँ पे हम ग्लोबली सारी ब्रांड्स के लिए कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा DNA इंडिया का, सप्लायर बेस, यस, मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, एंड दैट्स वेयर वी आर वर्किंग। सो वी आर ट्राइंग टू टेक ऑल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया and then take it not only for India but also for global. और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बताएगी कि Stellantis ब्रांड कितना बड़ा है। कई सारी कंपनीज OEMs यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शायद Stellantis पहला OEM है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट? बिल्कुल। भारत की जो मेक इन इंडिया की जो कवायद कई साल पहले शुरू हुई थी उसको किस तरह से आगे बढ़ा रही है उसका सबूत Stellantis आपको दे रहा है। दीज ग्लोबल एक्सपेंशन, सप्लायर चेन जो आपने बोला, Maserati से लेकर ECD तक सब कुछ सप्लाई होता है, इसको किस तरह से एक्सपैंड करने का प्लान है? सो हमारा दो तरह से इसको एक्सपेंड है। एक तो हम कि जो डिज़ाइन करें कार इंडिया में वो सिर्फ इंडिया के लिए ना हो, वो ग्लोबल के लिए, ओके, ताकि जो भी सप्लायर उससे जुड़े हैं, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हो। वो हमारा पहला प्रयास है। और दूसरा है कि हम यहाँ पे जो कैपेबल सप्लायर हैं, जो हमारे साथ में काम करके आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और साथ में क्वालिटी इज द वेयर फर्स्ट मोटो, दीज काइंड ऑफ सप्लायर वी आर इन्वेस्टिंग आर टाइम एफर्ट अलॉन्ग विथ इंजीनियरिंग एंड सप्लाई चेन वर्किंग टुगेदर, ताकि हम इसको और आगे से आगे। आज जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रयास यही है कि कैसे हम 1 बिलियन एक्सपोर्ट इंडिया से करें, 10,000 करोड़
जल्दी कुछ सालों में ये सपना भी पूरा होगा। क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा टारगेट है सर, और हमारी तरफ से तो मुबारकबाद इन एडवांस ले लीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन आप ये टारगेट पूरा कर देंगे। टारगेट्स की जब बात होती है ना, तो नंबर्स पे भी बात आ जाती है। ऐसे में पिछले 3 सालों की बात नहीं करूँगा, लेकिन फ्यूचर टारगेट आपके क्या हैं, वेदर इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम जी, वेदर इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम सिट्रॉयन और फ्रॉम द न्यू ब्रांड मासेराती दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर द काइंड ऑफ नंबर्स दैट आर देयर इन योर माइंड प्लेइंग, यू नो, व्हिच विल मेक यू हैप्पी दैट यू आर एबल टू अचीव? सो हम लोग इंडियन हैं और इंडियन एग्रेसिव है, लेकिन साल दर साल, क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ हमें आगे बढ़ना है, और वो नंबर नहीं है लेकिन हमें आगे बढ़ने की चाह और हमेशा ग्रोथ की ओर कदम रखना है। यही मेरा फोकस है कि हम हर साल इम्प्रूव करें, हर साल हर ब्रांड में, और कस्टमर के जितना पास जा पाए, जितना उनको समझ पाए, क्योंकि कस्टमर ही हमारे लिए सब कुछ है जी, और वही हमारा फोकस है। इंडिया एक इंडिया नहीं है, इंडिया में बहुत 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 विविधता है, और इसी को हम समेटते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं, और हमेशा यह प्रयास रहता है कि कैसे हम प्रोडक्ट लाएं जो पूरे इंडिया के लिए काम। सर, जब नए नए प्रोडक्ट्स लाने की बात होती है, तो भारत की क्या अहमियत है ग्लोबल स्टेज पर, ये भी काफ़ी मायने रखती है। तो ग्लोबली फॉर स्टेलेंटिस, वेयर डस इंडिया प्लेस एंड हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज? इंडिया हमारे CEO के हिसाब से इज द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, इट्स द कंट्री वेयर ही वॉन्ट्स अस टू बी ऑल स्टिकिंग, बिकॉज उनका कहना है कि जो काम, जो ब्रांड इंडिया में सक्सेसफुल हो गया या पार्ट प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। तो बसावल की सक्सेस आपको लग रही है, इंडिया में सक्सेस होगी तो ग्लोबली भी सक्सेस हो जाएगी? Yes. कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? 100%। फैंटास्टिक। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद हमसे बातचीत करने के लिए, एंड दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी गुड। सिट्रॉयन ब्रांड की जो पोजीशनिंग है उसमें बहुत उम्दा काम करेगा ऐसा लगता है, लेकिन मार्केट आपको लग रहा है कि तैयार है इस तरीके के न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ? बिल्कुल मार्केट, क्योंकि इंडियन कस्टमर 2019 के बाद में काफ़ी एक्सपोज हो गए हैं टेक्नोलॉजी, न्यू डिज़ाइन, न्यू थिंकिंग। उन लोगों को अब एस्पिरेशन है आगे बढ़ने की, ट्राई करने की, तो इस तरह की डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है फॉर इंडिया मार्केट के इस समय, जहाँ की लिमिटेड सेगमेंट है, लेकिन हम लोग इस कार से एक अलग सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यही हमारा पूरा उम्मीद है कि कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा, जैसे आप लोगों को आया। सुपर सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो स्टेलेंटिस ब्रांड को लेकर, जीप को लेकर, सिट्रॉयन को लेकर, मैसेरेटी को लेकर, प्लीज फील फ्री, कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल डालिए, उनका जवाब अगर हम दे पाए तो दे देंगे, नहीं तो सर के पास हम वो जवाब लेने के लिए जरूर पहुंच जाएंगे। नमस्कार।